आगे बढ़ेंगे बात राजस्थान की। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण किया गया। जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव कर उनका शुद्धिकरण किया। एमएलए बाल मुकुंद ने पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का शुद्धिकरण किया, फिर पार्षदों को गौमूत्र और गंगा जल पिलाया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर की कुर्सी संभाली। इस दौरान कई साधु संत भी मौजूद थे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटा दिया था और उनकी जगह कुसुम यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। कुसुम यादव को कांग्रेस के 7 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन मिला था। बाद में 8 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका आज शुद्धिकरण करवाया गया है। स्थानीय लोगों के बीच हाथोस धाम मंदिर के महंत के रूप में लोकप्रिय बाल मुकुंद आचार्य ने बताया कि शुद्धिकरण से सभी अशुद्धियों को दूर किया गया है। अब जयपुर नगर निगम में पवित्रता का माहौल रहेगा। उसकी अब साज सज्जा, आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई, सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई हैं। अब ये माने गंगा जल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का उनको गंगा जल पिला दिया है और आप सब गंगा जल गौमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनी होने के साथ अब इस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो हमारे साथ